कंप्यूटर नंबर सिस्टम के अंतर्गत बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है इसके बारे में देखेंगे। इसमें क्या होता है कि किसी भी जो बाइनरी एक्सप्रेशन की जो डेसिमल वैल्यू है वो बाइनरी डिजिट के डेसिमल वैल्यू के योग के बराबर होती है। एंड सेकेंड थिंग कि जो भी आपका गिवन नंबर है उसको बेस टू को कंसिडर करते हुए एक्सपेंड करना होता है। कैसे करेंगे आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका ये कोई बाइनरी एक्सप्रेशन है, इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 1010, उसके बाद फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 2 पे पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3। उसके बाद क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कैसे लिखेंगे आगे, 1 × 2 पे पावर 3 प्लस आपस में योग कर लेना है इसको, 0 × 2 पे पावर 2 प्लस 1 × 2 पे पावर 1 प्लस 0 × 2 पे पावर 0। अब इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना हो गया 8, ये हो गया 4, 4 को 0 से 0 हो गया, गुणा करेंगे प्लस 2 पे पावर 1 2 हो गया, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया प्लस 2 पे पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 × 0 कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से आप इसको टोटल आ गया 10। तो आप सिंपल है यहाँ पे हो जाएगा 10। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें है जैसे एक एग्जांपल है 1 1 0 1 1 0, ये एक बाइनरी एक्सप्रेशन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करना है, इसको यहाँ लिख लेना है 1 1 0 1 1 और 0। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको जैसा कि हमने बताया यहाँ पे लिख लेना है 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2। अब इसको आगे सॉल्व कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 × 2 पे पावर 5 प्लस 1 × 2 पे पावर 4 प्लस 0 × 2 पे पावर 3 प्लस 1 × 2 पे पावर 2 प्लस 1 × 2 पे पावर 1 प्लस 0 × 2 पे पावर 0। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 5 का ये हो जाएगा 32, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 32 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4, प्लस ये हो जाएगा 2, प्लस ये हो जाएगा 0। अब इसको आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 54। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से 54 यहाँ लिख देंगे, इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। आइए एक फ्रैक्शनल एग्जांपल लेते हैं। फ्रैक्शनल नंबर में जैसे एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे आपका है एक बाइनरी एक्सप्रेशन है 1011.01। अब ये बाइनरी को कैसे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ आप लिख लीजिए 1011.01।
जो पॉइंट के लेफ्ट साइड है वहाँ पे आप लिखते जाएंगे 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, और पॉइंट के राइट साइड आपको क्या लिखना है, 2 पे पावर -1, 2 पे पावर -2। अगर जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हमेशा माइनस आप में लिखा जाएगा और बढ़ता जाएगा, 2 पावर -1, -2, -3, -4, इस तरीके से। अब इसको आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, तो कैसे करेंगे, 1 × 2 पे पावर 3 प्लस 0 × 2 पे पावर 2 प्लस 1 × 2 पे पावर 1 प्लस 1 × 2 पे पावर 0 प्लस 0 × 2 पे पावर -1 प्लस 1 × 2 पे पावर -2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 पावर 0 का मान 1, 1 × 1 × 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 0, प्लस ये कितना हो जाएगा 0.25, राइट। अब इसको आपस में ऐड कर लेना है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा प्लस 0.25, ये टोटल हो जाएगा 11.25। ये बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ लिखेंगे 11.25, राइट। इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का आसानी से आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, ये एग्जांपल है, एक छोटा सा और लेते हैं जो कि 0.11 एंड 0। तो इसको कैसे करेंगे, इसको बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, कैसे करेंगे, आप यहाँ लिख लीजिए 0.110। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 0, और यहाँ पॉइंट के बाद आपको माइनस में लिखते जाना है, 2 पे पावर -1, 2 पे पावर -2, 2 पावर -3। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ये चूंकि इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो कैसे करेंगे, 0 × 2 पावर 0, राइट, प्लस 1 × 2 पावर -1 प्लस 1 × 2 पावर -2 प्लस 0 × 2 पावर -3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 पावर 0 का मान 1 0 0 0 हो जाएगा, प्लस 2 पावर -1 का कितना हो जाएगा 0.5, प्लस 2 पावर -2 का कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, प्लस 0 और 2 पावर -3 की वैल्यू हो जाएगी 0.125, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.25, ये हो जाएगा 0.75। ये आपका यहाँ पे आप लिख लेंगे 0.75। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।